नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक इंस्टीट्यूट एडवांस टेक में। और मैं आपके सामने आज लाया हूं हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू, जो कि हमारा लास्ट बैच आज पूरा हुआ है। इस बैच में हम जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उन्होंने एक महीने में यहाँ पर क्या सीखा और उनको क्या बताएगा, क्या इनकी प्रॉब्लमें थी जो उनकी सॉल्व हो गई हैं, कहाँ कहाँ ये मतलब पहले आज से पहले फंसते थे, अब वो इनके फॉल्ट मतलब वो फॉल्ट अब ये सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। हमारे एक वेस्ट बंगाल से हैं विशाल जी। तो विशाल जी, आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप ये बताएं कि मतलब आप कब से काम कर रहे हैं इस लाइन में? कब से? मैं पहले 1.5 साल से कर रहा था काम। तो 1.5 साल मतलब उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं था, मतलब अंदाजे में करते थे, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। मतलब यहाँ आपको कंपोनेंट का डीप नॉलेज मिला है, उसके बाद आपको फॉल्ट फाइंडिंग में कोई दिक्कत आएगी क्या? जी नहीं, फॉल्ट फाइंडिंग में कोई स्कीमेटिक एकदम प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसे, कौन सा लाइन कहाँ पे गया है वो भी हम समझ सकते हैं। चलिए, ये तो आप लाइन समझ लेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ गई है, क्या आप ये समझ सकते हैं कि कौन सी लाइन से क्या फॉल्ट बनता है? जी वो भी समझ सकते हैं, कौन सी लाइन से प्रॉब्लम आई है, कौन सी लाइन शॉर्टिंग होने से प्रॉब्लम आई है, ये भी हम समझ सकते हैं। तो कोई भी आपके पास एक फॉल्टी सेट आता है जिसमें कोई फॉल्ट है और वो आपके हाथ में आता है, तो आप उसमें कितना मतलब कितना टाइम लगाएंगे आप उसको समझने में? फॉल्ट समझने में तो 2 मिनट लगेगा, कहाँ से फॉल्ट है नहीं है, उसके बाद तो रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, रिपेयर में हैंड स्किल के ऊपर है कि आप कितना टाइम लगा पा रहे हैं, और हैंड स्किल तो क्या करते करते आती है ना। बाकी आपको यहाँ सिखाने में कोई कमी तो नहीं रही? कोई कमी नहीं है यहाँ पे, मतलब सर जो है, एक बार आप अगर नहीं समझो तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार जब तक आप नहीं समझो तब तक सर समझाते हैं। और टाइम मतलब टाइम की यहाँ पे हम लोगों का क्लास एक टाइमिंग है 11 से 7 तक है, पर हम लोगों का कभी कभी 10 भी बज जाता है, 11 12 1 1 तक जाता है 1 तक। मतलब आपको समय तो दिया गया था 7 बजे तक का कि 11 से 7 तक आपकी क्लास लगेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको रात के 1 बजे और 1:30 बजे तक भी आपको पढ़ाया गया। जब तक आप नहीं समझो तब तक पढ़ाया गया है। अच्छा, मतलब आप संतुष्ट हैं? जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है? जी। चलिए बहुत अच्छी। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं सर महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। तो मेरा नाम आनंद है। आपका नाम आनंद है, आप महाराष्ट्र नागपुर से हैं। आप पहले कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं सर कम से कम 10 साल से मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में हूँ, और इसके पहले मैंने 10 साल पहले ट्रेनिंग लिया था, लेकिन वो बेसिक फ़ोन थे तो अब तक चल गया काम कैसे तो भी। लेकिन अभी जो एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अपना बटन वाले मोबाइल सामान अभी कुछ रहा नहीं, तो काफ़ी दिक्कतें आती थी रिपेयरिंग करते समय। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, अभी ये सब अपने से नहीं जमने वाला, तो इसीलिए हमने आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया यहाँ पे। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? यहाँ आके सर मतलब ऐसा लग गया, जितने भी अपन ने तो इससे पहले आ जाना था यहाँ पर, और अच्छे से मतलब जो भी डाउट थे, जो मतलब मन में था कि नहीं अपन ये जाने का, सर को ये पूछेंगे, इससे कई गुना आपने हमें बता दिया है इसके बारे में। और मतलब जो आप उम्मीद लेके आए थे उससे कई गुना आपको ज़्यादा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और स्कीमेटिक का भी नॉलेज, भाई फोटो वोटो में देखते थे कि ये जंपर यहाँ मारना है, बस ये सब काम करते थे पहले। लेकिन अभी यहाँ आने का, ये जंपर क्यों मारा गया, ये कौन सा सर्किट था, डिवाइडर सर्किट है या सीरीज में लगा, ये सब आपने यहाँ पे पूरा बेसिक से हमको पूरा बताया। तो स्कीमेटिक देखिए, स्कीमेटिक तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या स्पेशल तरीके से कोई पढ़ाया गया कुछ? जी सर, पूरा डीप में पढ़ाया गया, कहाँ से क्या, पूरा सर्किट डायग्राम से, और हमको हर रात को वो सर्किट जो पढ़ाया वो सर्किट सवेरे ड्रॉ करके लाने के लिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप समझ के बनाए, इसलिए आपसे ड्रॉ करके लिया। बहुत अच्छे से सिखाया सर ने हमको। मतलब अब आपको यहाँ से जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला? नहीं नहीं सर, और दिक्कत कभी जाती भी तो हमने देखा है, हम सीखते समय सर बाकी स्टूडेंट के फ़ोन आते थे तो उनको ऐसा नहीं कि वो फ़ोन काट देंगे, उनको पूरा टाइम देते थे और उनको होने के बाद हमको सिखाते थे, मतलब सबको टाइम देते वो। अच्छा, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, कोई भी चीज़ बताएंगे, ऐसा नहीं कि। और मैंने कई बार देखा कि सर काम करते रहते थे, मैं उनको ज़्यादा ही मतलब ये पूछो, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि काम करते समय पूछना नहीं, जितनी बार भी जो सवाल पूछा उन्होंने हर सवाल का जवाब मुझे वो टाइम पे बिल्कुल दिया। अच्छा, मतलब आप बहुत खुश हैं इसका? बहुत सर, बहुत। अच्छा, आप यहाँ आ सकते, बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप हमारे व्यूअर्स हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी को अगर दिक्कत है यहाँ आने में, मतलब लग रहा है कि यार पता नहीं कैसा सिखाएंगे क्या है, तो आप मतलब उनके लिए बोल रहे हैं? हम तो ये बोलेंगे कि हमारी किस्मत ही अच्छी थी कि हम यहाँ आके मतलब बेनिफिट मिल गया, नहीं तो ऐसा है कहीं जाओ फिर वीडियो में अच्छा अच्छा बताते कि नहीं हम ऐसा करेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता
क्योंकि पैसे का कोई बेनिफिट ही नहीं है, कोई आउटपुट ही नहीं मिला बाद में, वही फिर इधर भटको, फिर वो बंदे का कॉन्फिडेंस कम होता। तो मैं यही बोलूँगा कि आप पहले बार कोई कर रहे हैं तो यही आ जाओ, उसके बाद आपको कहीं सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब आप यहाँ से बहुत जी सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार बताएं आप मुझे कि अगर कोई भी फॉल्टी सेट आपके पास आता है जिसमें फॉल्ट है जी, तो उसे आपको कितना टाइम लगेगा फॉल्ट फाइंड करने में? सर फॉल्ट फाइंड करने की बात रहेगी तो 15-20 मिनट या 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। हालांकि ना मोबाइल बनाना है बोलने से उसका स्पेयर अगर तुरंत अवेलेबल नहीं तो हो सकता है टाइम लग जाए, नहीं तो अगर है तो फिर मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई सा भी फॉल्ट हो मोबाइल में? नहीं नहीं बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद आपका। अच्छा आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम सर राजेंद्र धाकड़ है और मैं सिलवानी के रहने वाला हूँ। अच्छा सिलवानी से हैं आप जी। तो राजन जी मैं हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आपको मैंने लगभग आज से 3 महीने पहले जी सर ट्रेनिंग दी थी जी सर। आप आए थे लेकिन आपके कुछ निजी घरेलू कारणों की वजह से आप चले गए थे जी सर, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई थी और आप दोबारा आपने मुझसे आने के लिए बोला तो मैंने आपको बिल्कुल बुलाया कि हाँ आप आइए, और जब तक आप नहीं आए तब तक मैंने बैच भी स्टार्ट नहीं किया था जी सर, ठीक है। आपके आने के बाद ही मैंने बैच स्टार्ट किया था जी सर। ऐसा नहीं था कि आप मेरे पास दोबारा आ रहे हैं अब मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं आपके लिए क्यों रुकूँ, लेकिन मैं आपके लिए रुका, दूसरे नए स्टूडेंट को भी रोक के रखा आपके लिए कि भाई 2 दिन रुकिए, हमारे एक स्टूडेंट और आने वाले हैं। हाँ सर, ठीक है। आपको कुछ कारण कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि आप नहीं आ पाए समय में जी सर, लेकिन मैंने आपके लिए रुका और आपको आपकी क्लास सबके साथ स्टार्ट की जी सर। और आपकी जो भी दिक्कतें थी जो आप मतलब पिछली बार नहीं कर पाए थे पूरा, तो आपको मैंने शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा, जैसे नए बैच में जो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सिखाया जाता है आपको बराबर सिखाया जाता नहीं था कि आप पहले सीख चुके हैं तो आपको कमी रखी होगी? नहीं सर, वो पूरा सबके साथ में मतलब एक साथ में पढ़ाया है और बताया। तो अब आप बिल्कुल खुश हैं यहाँ से? हाँ सर, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और आपसे खर्च भी कोई नहीं लिया गया है सर, है ना, केवल आपसे खाने और रहने का लिया गया है जो कि मुझे दूसरे को देना पड़ता है, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। और आपको ध्यान भी बराबर दिया गया है जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु है, मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से। तो हिमांशु जी आप बताइए कि आप आज से पहले मतलब यहाँ से आने से पहले आपको कितना समय हो गया था काम करते हुए? सर मुझे 6 महीने हुए थे काम करते, मैं बिल्कुल फ्रेशर था। अच्छा अच्छा, यहाँ आने के बाद मैं बहुत अच्छे से काम सीख पाया हूँ, हर एक चीज़ का नॉलेज हो गया, स्कीमेटिक का, रजिस्टर का, डाइवर्ट का, हर एक चीज़ मतलब आपको कंपोनेंट्स का डीप नॉलेज मिला और आपको स्कीमेटिक का भी डीप नॉलेज जी जी एकदम मिला एकदम। हाँ, और फॉल्ट फाइंडिंग भी आपको बिल्कुल प्रॉपर बताई गई है कि कौन सा फॉल्ट कहाँ से आता है, कैसे आता है, है ना जी सर। हाँ, एक लाइन बताया गया, एक लाइन मतलब ये है कि आप फ्रेशर होते हुए भी आज वो काम कर पाएंगे जो एक मतलब काफी एक्सपीरियंस बंदा भी नहीं कर सकता, है ना। मतलब मैं उस बंदे की बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस की जिसने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली हो जी सर, है ना। और मैं पहली बार है कि मैं पहली बार सही जगह आ गया हूँ, कितने लोग तो घूम घाम के आते हैं इधर उधर से, सही नॉलेज नहीं पाते, लेकिन तब भी मैं सही नॉलेज पा गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहें किसी के लिए जो हमारे व्यूवर्स हैं जो डरते हैं यहाँ आने के लिए? मतलब देखिए यहाँ से ही मतलब नहीं है, क्या है कि जिसको सीखना होता है वो पहले तो वीडियो देखता है, रिव्यू देखता है, फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, और जाने से पहले 10 बार वो सोचता है कि पता नहीं मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरा समय तो ख़राब नहीं होगा, मेरा पैसा तो ख़राब नहीं होगा। नहीं तो सर, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ आने के बाद ना किसी का पैसा ख़राब होगा ना किसी का समय ख़राब होगा। अच्छा, वो कुछ यहाँ से लेके ही जाएगा, बहुत कुछ लेके जाएगा यहाँ से। मतलब आप बहुत खुश हैं यहाँ से? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। तो मतलब आप भी रिकमेंड करेंगे लोगों को यहाँ आने के लिए? जी जी एकदम सर, जो मेरी तरह फ्रेशर बन रहे हैं वो यहाँ आ सकते हैं। मतलब यहाँ फ्रेशर को भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर, ना रहने का, खाने का, हर चीज पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। अच्छा, अदर इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं हम फ्रेशर को नहीं सिखाते जी जी, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि भाई वो नहीं सिखाते हैं? सर पता नहीं ऐसा क्या है कि वो झेल नहीं पाते हैं, फिर पता नहीं ऐसा क्या है। मतलब ये कि क्या होता है एक एक्सपीरियंस बंदे को सिखाने में दिक्कतें नहीं आती, उसको भाई एक बार बता दिया उसे समझ में आ गया, लेकिन एक फ्रेशर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, पता नहीं क्या पूछ ले जी। सही बात है ना, तो इसलिए शायद वो मना करते हैं। तो मेरे एक सवाल का सर जवाब दिया है, एक सवाल का। तो मतलब आप भी खुश हैं? जी जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप बताएं आप कहाँ से हैं? जी सर, मेरा नाम संजय है, हम झारखंड से हैं। आप झारखंड से हैं, आपका नाम संजय है। चलिए ठीक है, आप इस लाइन में कब से हैं?
जी सर 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल आपके हो गए हैं जी सर। तो पहले भी आपने कहीं ट्रेनिंग लिया था क्या? जी सर पहले भी लिए थे लेकिन वहाँ से हम संतुष्ट नहीं थे, हम कहीं और जगह जाना चाहते थे। लेकिन यूट्यूब पर वीडियो देखे, बहुत लोग का वीडियो देखे लेकिन आपका हमको अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो हम यहाँ पर आए। तो आपको हमारे वीडियो में सर क्या पसंद आया कि आपने यहाँ निर्णय लिया यहाँ आने का? जी सर और वीडियो आप देखेगा यूट्यूब में तो वे लोग उतना क्लियर नहीं बताते हैं, छिपा देते हैं। उन लोग ऐसा लगता है कि केवल यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए वे लोग वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं मिलता है उसमें। लेकिन आपका है कि आपका हर एक वीडियो में जानकारी भरा हुआ है, कोई आपका वीडियो स्किप करके नहीं देख सकता है, पूरा आँख गड़ा के देखते हैं हम। जी जी जी, मतलब ये है कहने का कि मैं जो वीडियो डालता हूँ कोई मतलब समझदार बंदा जिसको स्कीमेटिक का नॉलेज है और जो रिपेयरिंग को समझता है, जिसको इस हमारे बोले तो कंपोनेंट्स का अच्छा नॉलेज है, तो वो मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकता है। बहुत कुछ सीख सकता है सर, मतलब बहुत कुछ उससे सीख सकता है। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मैं कुछ छिपाता नहीं वीडियो में, तो जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ क्या वीडियो के बराबर पढ़ाता हूँ? तो वीडियो से कई गुना ज़्यादा पढ़ाता हूँ। नहीं, वीडियो से तो बहुत सब कुछ आदमी वीडियो से नहीं सीख सकता है। उसके लिए आपको कंपोनेंट की जानकारी चाहिए, स्कीमेटिक की जानकारी चाहिए, तभी आप वीडियो को समझ सकते हैं। आप ये सोच के चलिएगा कि हम यूट्यूब से सब कुछ सीख जाएंगे तो यह संभव है नहीं। लोग ये समझते हैं ना कि यार वीडियो में इतना सब बता दिया तो अब क्या करेंगे जाके। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ होगा ना जो यहाँ पर भी बताया जाता है, उससे यूट्यूब में वीडियो दिखाया जा रहा है उससे बहुत कुछ है मोबाइल में। अच्छा अच्छा, ये सोच लीजिए अगर हम यूट्यूब से सब कुछ सीख लेंगे तो शायद संभव नहीं है। तो ये बताइए कि जैसे पिछले जहाँ भी आपने सीखा था, मैं नहीं आपसे मतलब पूछूंगा कि कहाँ सीखा था, तो वहाँ से आपने जो सीखा और यहाँ से जो सीखा उसमें कुछ आप तुलना कर सकते हैं क्या? जी सर, यहाँ पर का व्यवस्था हमको अच्छा लगा, यहाँ पर जो सिखाने का जो मतलब तरीका है वो अच्छा है। अच्छा अच्छा, वहाँ की अपेक्षा। अच्छा अच्छा, मतलब आपको जब तक समझ में नहीं आया जी तब तक आपको समझाया गया जी, है ना? ऐसा नहीं है कि बीच में आपको कुछ भी बोल के और आपको टाल दिया गया हो? नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने लिखने में भी जो भी आपको है यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रेशर भी हैं तो आइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सीट भी कम है। और जगह आप जाइए वहाँ पर एक बैच में आपको 30 लड़का या 50 लड़का भी मिल जाएगा। वैसे में क्या हुआ कि हर कोई पूछ नहीं पाता है, जो पीछे जो बैठते हैं उन लोग तो और एकदम नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 6 लड़का का ही बैच है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकते हैं, 6-7 का ही है, तो सब पर केयर किया जाता है, सब लोग आराम से पूछ सकते हैं। हमारे सर भी जो है वो सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं, मतलब उनसे पूछने में बहुत ही मतलब मिलनसार हैं, सपोर्टिव हैं, बहुत केयर करते हैं स्टूडेंट पर। यहाँ पर रहने में भी खाने के लिए जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं लगा। एक महीना 20 दिन हमारा हो गया यहाँ पर आए हुए, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि हमारा 1 महीना 20 दिन हो गया। अच्छा, मतलब आपका ऐसा समय निकल गया है? समय एकदम ऐसा निकल गया कि पता ही नहीं चला कि मतलब। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा दूसरी बात एक और पूछूंगा मैं कि आपके ऐसे कोई सवाल का जवाब नहीं मिला हो, आपका ऐसा कोई सवाल रहा अभी तक जिसका सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया हुआ? नहीं, सब सवाल का जवाब मिला। और रिपेयरिंग में कोई दिक्कत अगर हमको होगा तो हमको मालूम है कि आगे सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि हमारे सर बहुत सपोर्टिव हैं। हमने देखा है कि हमारे पढ़ाने के दौरान पहले के बैच के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने वो कहीं पर फंसे तो उनका जवाब दिया गया। आपको मतलब क्लास का जो टॉपिक चल रहा था उसके बीच में भी अगर कॉल आता है तो पहले हम उनको रिप्लाई देते हैं, उसके बाद हमारी क्लास आगे बढ़ाते हैं। सही है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है तो हम अभी आपको कुछ बता नहीं। और इंस्टीट्यूट में आप जाइए वहाँ तो फोन ही नहीं उठेगा, वहाँ पर आपको फोन ही नहीं। मतलब सपोर्ट के मामले में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सपोर्ट के मामले में बहुत अच्छा यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलेगा बराबर। मतलब सपोर्ट केवल नाम ही नहीं है, दी भी जाती है। हम एक महीना 20 दिन यहाँ रहे हैं तो हम देखे हैं कि हमारे मतलब पढ़ने के दौरान भी बहुत कॉल आया और सर रिसीव किया और सबका जवाब दिया, तो हमें भी लग रहा है कि वहाँ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं फंसेंगे तो हमको जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर जी। आपका नाम क्या है? सागर है सर मेरा नाम। अच्छा सागर है, आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद तेलंगाना? अच्छा अच्छा, निज़ामाबाद से। ओके, तो आप कब से हैं इस लाइन में? मैं 12 साल से हूँ सर। 12 साल से? 12 साल से आप काम कर पा रहे हैं, आईसी निकालना, सीपीयू रिवॉल्व, मतलब आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी हैंड स्किल जो है बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। मैंने भी देखा है, 1 महीने के अंदर मेरे पास आप रहे हैं कि आपको कोई भी काम
जैसे आईसी निकालना, लगाना, रीबॉलिंग करना, पेस्टेड वगैरह, आप सब बहुत अच्छे से निकाल पा रहे थे और बहुत अच्छे से, मतलब आपको उसमें बताने की जरूरत नहीं रही कि आपको ऐसा करना है, है ना, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और 12 साल हो गई तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा ही। लेकिन आपको परेशानी कहाँ आ रही थी जो मेरे पास आप आए थे? डेट सेक्शन में और नेटवर्क के सेक्शन में। हाँ, लाइट ग्राफिक्स, लाइट तो बना लेते थे। अच्छा अच्छा। फिर बाद में क्या होता था, नेटवर्क का जो पूरी तरह से बना नहीं पाता था, अगर लो नेटवर्क वो समझ में नहीं आता था। अच्छा, डेट में अगर सीपीयू से ईएमएमसी से होगा तो निकाल के रिवॉल्व लगाओ, अगर चालू हुआ तो चालू होगा, नहीं तो नहीं। उसके आगे किस तरह से ये बंद हुआ, कौन सी लाइन इसकी शॉर्ट है, कौन सी लाइन ब्रेक है, ये सब सारे चीज मतलब पता ही नहीं था कि इतने सारे लाइन्स होते हैं। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी? जी, लिया है मैंने। तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें नहीं सिखाई गई? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब मतलब चीज़ें बताया नहीं गया मुझे। अच्छा, और समझ भी नहीं पाया मैं वहाँ पे। मतलब आप समझ भी नहीं पाए हैं और आपको बताया भी नहीं गया। इतना डीपली तो नहीं सर, मुझे तो समझ में ही नहीं आया था वहाँ पे। अभी इधर इतना अच्छा समझ में आ रहा कि इतने लाइंस होते, ऐसा मोबाइल को ऐसा पॉइंट करना चाहिए। लगभग आपने एक साल पहले ट्रेनिंग ली? जी, डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल हो गया है। और वहाँ आपको कुछ सीखने को नहीं मिल पाया और आप वहाँ पर परेशान रहे, तो आपने ये डिसाइड किया मेरे पास आने का? जी, तो मेरे पास आने का आपने ऐसा क्या मतलब क्या लगा आपको कि यहाँ जाना चाहिए? यहाँ जाना चाहिए मतलब आपने पूरी तरह से कोई भी बात को छुपाया नहीं और खुला बोल दिया कि मतलब ऐसे मोबाइल रिपेयर करना चाहिए, ऐसा होता है लाइंस के बारे में, और ये TE0 दूसरा लाइटिंग सेक्शन में, नेटवर्क के सेक्शन में, डेट के सेक्शन में सारे ये वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स का मतलब नहीं जानता है। हम यूट्यूब से देखेंगे तो उसमें खाली आपने बोला उसका अर्थ क्या मालूम नहीं होता है, तो वो अर्थ सीखने के लिए तो आपके पास आना ही पड़ेगा, मतलब क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो स्कीमैटिक का नॉलेज आपको कैसा मिला यहाँ पर? बहुत अच्छी तरह से मिल गया, यानी कि अभी कोई भी स्कीमैटिक, कोई भी फ़ोन रहने दो, उसकी स्कीमैटिक रहने दो, तो उसको देख के हम स्कीमैटिक मतलब रीड कर सकते हैं, इसके आगे हाँ फोल्ड फाइंड कर सकते हैं, इसके आगे कौन सा हमको सर्च करना है, इसके आगे कौन सा सर्च करना है। अच्छा अच्छा, ऐसा तो आपको स्टेप बाय स्टेप फोल्ड फाइंड करना, लाइन को ट्रैक करना, वोल्टेज मेजरमेंट करना, है ना जी, और आपको कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, ये सारे, है ना, ये सब आपको समझाया गया हमको, है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम, हार्डवेयर में तो आपको प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन नहीं। आपको फॉल्ट फाइंडिंग में, स्कीमेटिक में, हाँ, है ना। अभी आप ये है कि यहाँ से आपको जो एक महीने में सिखाया गया, आप उससे खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं सर, है ना। और जो पावर सीक्वेंस बताया गया उसके हिसाब से आप डेट सेक्शन भी? पावर सीक्वेंस तो मैं जिंदगी में नहीं ऐसा देखा इतने। अच्छा अच्छा, मतलब पहली बार आपने देखा कि पावर सीक्वेंस ऐसा होता है, है ना जी सर? किसी भी इंस्टीट्यूट ने आपको नहीं बताया? हाँ, नहीं बताया। तो इसमें पावर सीक्वेंस में आपको बताया गया है कि पहले पावर कहाँ जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, फिर कौन सी एक्टिव होगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पावर का नॉलेज दिया गया। पहले बैटरी लगाते ही बीपीएस पावर में जाएगा, बीपीएस से ऐसा। हाँ, बाकी कहाँ कहाँ सेक्शन में जाएगा वो आपने वो सब पूरा आपको बताया गया है ना? बताया गया सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती रिव्यू हमको दिया। जी सर, थैंक यू आपके लिए भी। तो आप सभी लोग एक ही ग्रुप से हैं हमारे, जो हमारा लास्ट ग्रुप है जिसकी आज एंडिंग है। तो आप सभी लोग मिलकर कुछ हमारे व्यूवर्स जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आने की सोच रहे हों या कहीं और जाने की सोच रहे हों, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग कुछ अपने तरफ से? मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि जिसको भी अगर सीखना है अच्छे से और कुछ मतलब अपना कुछ ध्येय लेके आना है तो यहीं पर आ सकते, पूरी तरीके से सर पढ़ा देंगे, क्योंकि ऐसा गुरु मैंने भी नहीं देखा जो मतलब तुम्हारे रूम पे आके तुम्हारे डाउट क्लियर करेगा। ये तो ठीक है यहाँ पे आपको पढ़ा दिया, लेकिन वहाँ पर आप कन्फ्यूज होते, एक फ़ोन लगाया सर हमारे रूम पर भी आए, हमको कुछ डायग्राम में दिक्कत जा रही तो पढ़ाया, तो ये फैसिलिटी शायद आपको कोई दे नहीं पाएगा, और हम भी अच्छे से पढ़े इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप यहाँ आ सकते सीखने के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे यूपी से जो भी बंदे यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, बेफिक्र से होके आ सकते हैं, एकदम बढ़िया पढ़ाया जाता है सर यहाँ पे। तो मैं निज़ामबाद से हूँ, हैदराबाद तेलंगाना, तो वहाँ से भी कोई आना चाहता है तो यहाँ पे बेफिक्र से आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम हो सकती बोल के कोई सोच के नहीं आ पाएगा कोई, लेकिन उसका कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर, इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि जैसा कोई भी प्रॉब्लम हो
उसको समझा के अच्छी तरह से समझा के आगे बढ़ते। थैंक यू। जी सर, हम आपके व्यूअर को कहना चाहेंगे, जो लोग इस क्षेत्र में नए जो लोग आना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग क्षेत्र में, वो लोग यहाँ बेफिक्री होकर आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि और जगह जाके पैसा बर्बाद करने से अच्छा नहीं है। हम भी एक जगह गए थे, वहाँ भी हमारा पैसा लग गया, फिर यहाँ पर आए यहाँ भी पैसा लग गया, तो और जगह भटकने से अच्छा है कि आप एक बार यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और पैसा भी आपको मतलब पूरा आपका जो भी लगा यहाँ। जी सर, तो क्या पैसा वसूल था? जी सर, पूरा वसूल है, और यहाँ के बाद कहीं और आदमी नहीं जाना चाहेगा, यहाँ पर पूरा आपको नॉलेज मिलेगा और आपका एक ही बार में सब कंप्लीट हो जाएगा। कई लोग हैं कि कई इंस्टीट्यूट को घूमना पड़ जाता है, उनको संतुष्ट नहीं होता, यहाँ से संतुष्ट नहीं हुए दूसरा जगह गए, फिर दूसरा जगह गए, तो उनका बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। यहाँ पर है कि आप एक ही बार आइए, आपका सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बाद में आपको सपोर्ट भी मिलेगा, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ से। अच्छा,